उत्तर प्रदेश के हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में डबल डेकर बस में ओवरलोड सवारी मिलने पर पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। बस को कोतवाली शाहबाद में खड़ा करा दिया गया है। आपको बता दें कि बस हरदोई से दिल्ली जा रही थी। ड्राइवर ने बस में सवारियां भूसे की तरह भर रखी थी और छत के ऊपर भी सवारियां बैठा रखी थी। कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने पर पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के लिए संपूर्ण बंदी का ऐलान किया है, जिसकी खबर सुनते ही लोगों में अपने अपने घरों में जाने की होड़ मच गई है, जिसका फायदा कोरोना काल में डबल डेकर बस संचालक उठा रहे हैं। हरदोई से क्षमता से दुगनी सवारी भरकर बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें ड्राइवर ने भूसे की तरह सवारियां भर रखी थी और यहां तक कि बस की छत पर भी सवारियां बैठी हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था, जिसको देखते हुए शाहबाद पुलिस ने बस को सीज कर दिया। इस बाबत कोतवाल महेश चंद्र पांडे ने बताया कि बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हुई थी, जिसकी वजह से बस को सीज कर दिया गया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।